उसके समाज के उसका इलाज कर देते, बांध देते, क्यों नहीं बांधते उसका इलाज। और ये कश्यप समाज भी कोई कमजोर समाज थोड़ा है। उन्होंने हमारे समाज के लिए बयान दिया है वो बहुत गलत है, निंदनीय है, क्योंकि अपनी इसी समाज का नाम नहीं लेना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि सजात विधायक पढ़े लिखे हैं, और अगर उन्होंने कहीं भी अपनी कोई योग्यता या अपनी दिखाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कश्यप समाज उनकी भर्त्सना करता है और निंदा करता है, और उनको जवाब देंगे आने वाले इलेक्शन में, दिखाएंगे कि कश्यप समाज की शक्ति क्या है, कश्यप समाज की ताकत क्या है। और आने वाले समय में चुनाव में भी उसको बताएगा कश्यप समाज बैठने के लिए खाट तो घाट, उसको कुर्सी भी नहीं मिलेगी। गाँव गाँव में उसका विरोध कर। उनका जो वक्तव्य है उसका सीधा सा मत है कि वो चाह रहे हैं, उनका कहना यह है कि UCC जो कोड है सिर्फ कश्यप समाज पे लगना चाहिए कि कश्यप समाज ऐसे काम करता है। भी अपने कार्यालय, अपना रुड़की भी कार्यालय, हम उनके कार्यालय पर ताला। विधायक का जो पद होता है बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों का पद होता है, सोच समझ के इनको बात बोलनी चाहिए थी, तो इसके विरोध में हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए। शहजाद विधायक जी अलगसर क्षेत्र के, उन्होंने हमारे कश्यप समाज को सीधा टारगेट किया गया, वो टारगेट किसके लिए किया गया, जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीष शर्मा, फिलहाल हम खड़े हैं नगर निगम चौक पर, और आप लोगों को बताना चाहूंगा लक्सर से विधायक तथा कथित विवादों में रहने वाले विधायक शहजाद, उनके द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान एक अभद्र टिप्पणी कश्यप समाज के ऊपर की गई है, जिसको लेकर कश्यप समाज रोष में है, आक्रोशित दिखाई दे रहा है। कश्यप समाज के कुछ चुनिंदा लोग जो मुख्य लोग हैं रुड़की में, उनसे बात करेंगे। आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है शहजाद का, किस विषय को लेकर किया गया और यह अभद्र टिप्पणी कहाँ तक घृणित है, इन लोगों के लिए बात कर लेते हैं। अरविंद जी स्वागत है समर्थ भारत न्यूज में, क्या कहना चाहेंगे आज शहजाद विधायक जो है उनके द्वारा कुछ टिप्पणी की गई, क्या है पूरा प्रकरण और क्यों आज पुतला फूंका गया? ये प्रकरण जो है जब से सत्र शुरू हुआ उसके 2 दिन बाद ये शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें जो शहजाद विधायक है और दूसरे अपने जो उमेश कुमार जी है, इनकी विधानसभा में कुछ टिक्का टिप्पणी हुई थी, तो इस बात को लेकर इन्होंने जो कल या परसों जो इन्होंने हमारे समाज के लिए बयान दिया है वो बहुत गलत है, निंदनीय है, क्योंकि अपनी इसी समाज का नाम नहीं लेना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि कोई भी इसमें हो सकता है, जो UCC का जो मुद्दा उठाया है, जो पास हुआ है उसके बारे में ये बड़ा इनकी खींचतान चल रही थी, और इसमें जो कल इन्होंने बोला है कि कश्यप समाज के इतने इतने बच्चे हैं, ये है, तो ये बहुत गलत है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और स्थानीय विधायक जो शहजाद जी हैं उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत प्रतिष्ठा का, बहुत विधायक का जो पद होता है बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों का पद होता है, सोच समझ के इनको बात बोलनी चाहिए थी, तो इसके विरोध में हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए। और ये कहीं जगह चल रहा है, ये जो इन्होंने गलत टिप्पणी करी है, हमारे समाज के लोग सब जगह से मेरे पास फ़ोन भी आए, जैसे लक्सर है, भगवानपुर है, इधर मेवड़ वगैरह बहुत जगह इसकी बातें हो रही हैं, तो पूरा समाज जो है इसकी बहुत घोर निंदा करता है। और अगर शहजाद विधायक इस पर जो है खेद व्यक्त नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो क्या इसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा को देखना पड़ेगा? देखिए ये इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि ये जो है ना बहुत गलत बोला इन्होंने, क्योंकि हम सारे समाज इकट्ठे होकर एक ये वार्ता करेंगे, इसमें जो भी बात होगी हमारे जो पूरे हरिद्वार जिले के जितने भी हमारे संगठन हैं उनसे बातचीत करके जो भी डिसीजन होगा फिर हम इस जो लोकसभा चुनाव उसमें देखते हैं क्या होगा। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, शायद UCC के बारे में जानते नहीं है लक्सर विधायक, और उस चीज को लेकर टिप्पणी कर गए कश्यप समाज पर, आइए कुछ और लोग उनसे बात कर गए। अंकित जी क्या कहना चाहेंगे, कितना लगा है आपको, कितना बुरा लगा है कि इस समाज ने आपके समाज पर टिप्पणी हुई? बहुत बुरा लगा है मनीष जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के चलते हुए जो शहजाद विधायक द्वारा ये निंदनीय कार्य किया गया है और कश्यप समाज को टारगेट किया है, कश्यप समाज उनकी भर्त्सना करता है और निंदा करता है, और उनको जवाब देंगे आने वाले इलेक्शन में, दिखाएंगे कि कश्यप समाज की शक्ति क्या है, कश्यप समाज की ताकत क्या है, उन्हें पता चल जाएगा। मतलब हल्के में इलेक्शन हल्के में लिया है उन्होंने, बहुत ज्यादा हल्के, और केवल एक ही समाज को टारगेट किया है। मैं टिप्पणी का तो बताता हूँ मैं आपको कि एक्चुअली सबसे पहले तो है कि एक गणमान्य व्यक्ति होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए उनके मुख से ऐसी भाषा निकलना, ये अपने आप में उन पे चिन्ह लगाता है कि वो किस क्वालिफिकेशन के आदमी है, उनका क्या व्यक्तित्व है, इस भाषा से पता लगता है। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, उनका जो ये वक्तव्य है उसका सीधा सा मत है कि वो चाह रहे हैं
उनका कहना यह है कि यूसीसी जो कोड है सिर्फ कश्यप समाज पे लगना चाहिए कि कश्यप समाज ऐसे काम करता है। उनका समाज कोई सारे काम अच्छे करता है, बाकी सभी समाज सारे काम अच्छे करते हैं। उनका मुख्य वक्तव्य देने का मुख्य कारण ये था कि कहने का मतलब तात्पर्य ये कि यूसीसी लागू होना चाहिए कश्यप समाज के ऊपर, बाकी किसी समाज के ऊपर नहीं। और ये ऐसे गणमान्य व्यक्ति के बयान हैं और वो भी विधानसभा में खड़े हो गए, जो दूसरे हमारे विधायकगण और बैठे थे वो भी शर्मसार हो गए होंगे इस बयान को सुन करके। हमारा ये है कि हमने तो अपनी पूरी तैयारी करी है, अगर हम कम नहीं हुए, अगर उन्होंने हमारे से माफ़ी नहीं मांगी या कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में अभी उनको मांगनी पड़ेगी। हम लोग इकट्ठा हैं और बलपूर्वक अपने धैर्य के अनुसार हम अभी आगे कार्य इनको दिखाएंगे, इनको तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी हमारे समाज से। जी सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा बयान दिया है राज्य विधायक सहजाद द्वारा, जो लक्सर से सिटिंग विधायक है, बहुत एक बयान दिया गया है जो कि आप ही समाज के लोग बता रहे हैं कि बड़ा घृणित है और आप लोगों को आहत करता है। क्या कहना चाहेंगे? क्या यूसीसी की जानकारी है सहजाद विधायक को? कितने बड़े एजुकेटेड हैं और क्या लग रहा है आपको, ये आपको कैसा महसूस हो रहा है इस चीज़ को? देखिए, पहले तो धन्यवाद मुनीश भाई, और जैसे आपने कहा कि पढ़े लिखे, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि सहजाद विधायक पढ़े लिखे हैं, और अगर उन्होंने कहीं भी अपनी कोई योग्यता या अपनी दिखाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक विधानसभा सत्र के बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो शोभनीय नहीं है। और आज हमारी बिरादरी को टारगेट कराया, कल वो किसी और बिरादरी को भी टारगेट करेगा और कुछ ही बोलेगा। तो ऐसे लोग, मैं तो चाहता हूँ कि जनता का दुर्भाग्य है कि जो जीत कर आए हैं और जो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी समाज के व्यक्ति हमारे वहाँ भी रहते हैं, इनको वहाँ पर भी इलाज करें इनका, और अगली बार जैसे ये वोट मांगने आते हैं तो वोट नहीं, इनको चोट से जवाब। पहले तो आप सभी पत्रबंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जो देहरादून सत्र अपना विधानसभा का चलता है उसमें विधायक जी की, उमेश कुमार जी की, इनकी नोकझोंक हुई थी किसी किसान को लेकर, उसमें हमारे जो सहजाद विधायक जी है लक्सर क्षेत्र के, उन्होंने हमारे कश्यप समाज को सीधा टारगेट किया गया। वो टारगेट किसके लिए किया गया? जो मुख्यमंत्री जी ने अपना जो साहित्य नागरिकता एक बिल पास किया है उसे लेकर, क्योंकि अपनी बिरादरी को तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते, उन्होंने सीधा डायरेक्ट कश्यप समाज को टारगेट किया कि 11-11 बच्चे कश्यप समाज को होते हैं, अगर एक दो और भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे कश्यप समाज में इतनी रोष है, जगह जगह उनके पुतले दहन किए जा रहे हैं। अभी हमारी योजना है, अगर दो दिन में वो समाज से माफ़ी नहीं मांगते, या तो मीडिया से मांगे, आगे मीडिया के सामने या समाज के बीच में वरिष्ठ लोग हमारे काफ़ी है, वरना उनके लक्सर भी अपने कार्यालय, अपना रुड़की भी कार्यालय, हम उनके कार्यालय पर ताला झड़ने का काम करेगा जब तक नहीं उठने के, जब तक वो समाज से माफ़ी नहीं मांगने के, क्योंकि समाज के बीच में इतना ज़्यादा रोष है, समाज ने उसे वहाँ से जिता कर भेजा था। एक गरिमा होती किसी विधायक की, प्रतिनिधि की, वो अपनी गरिमा से भूल चुके। अगर समाज के लोग भी अपनी गरिमा से हट गए ना, तो विधायक पता नहीं ऐसे कितने फिरते, कितने नहीं इस क्षेत्र के अंदर। अभी आपने कहा कि अपने समाज के लिए नहीं बोल सकते, पर्टिकुलर किसी समाज के लिए बोला, अगर अपने समाज के लिए बोलते तो क्या हो सकता? उसके समाज के उसका इलाज कर देते, बांध देते, क्यों नहीं बांधते उसका इलाज? और ये कश्यप समाज भी कोई कमजोर समाज थोड़ा है, क्योंकि टारगेट एक समाज को बनाना अच्छी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कश्यप समाज है, पूरे सर्व समाज के अंदर रोष है, और आने वाले समय में चुनाव में भी उसको बताएगा कश्यप समाज। बैठने के लिए खाट तो घाट, उसको कुर्सी भी नहीं मिलेगी, गांव गांव हम इसका विरोध कराएंगे। देखिए मित्रों, कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो कश्यप समाज ने एजुकेशन पर सवाल उठाया है सहजाद विधायक की, जिस प्रकार की टिप्पणी की है, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानकारी है सहजाद विधायक को कि इस प्रकार की टिप्पणी की, और एक ही बिरादरी को टारगेट करना कहां तक मायने रखता है? अब यह बिरादरी बताएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में, अगर सहजाद विधायक घुटने पर नहीं आते तो इसका खामियाजाना बसपा को भुगतना पड़ेगा। समर्थवाणी से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।